हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि हम एसक्यूएल सर्वर सीख रहे हैं और एसक्यूएल सर्वर सीखने की कैटेगरी में ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम प्राइमरी की को असाइन करना सीखेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसके पहले ये जरूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तभी ये सर्वर काम करेगा। तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये ओपन हो चुका है साइड बार, अभी देखेंगे आप जब इसे कनेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ साइड बार में देख सकते हैं ये डेटाबेस लिखा हुआ आ गया है। हम इसी डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे न्यू डेटाबेस पर। तो न्यू डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना होगा हमें, लाइक यहाँ पे दे देता हूँ मैं प्राइमरी, क्योंकि हम प्राइमरी की बना रहे हैं, प्राइमरी की का यूज देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्राइमरी, ओके, और इसे ओके कर दिया। और ओके करने के साथ साथ अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जाकर मैं क्लिक करता हूं डेटाबेस पर तो आपको नीचे प्राइमरी दिखाई पड़ेगी। ये जो दिख रहा है ना प्राइमरी, यहीं पर हमें आना है, ठीक है। और यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनेगा, इसी पर क्लिक करता हूं, दो बार क्लिक करूंगा तो ये टेबल आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब यहां पर आइए और फिर राइट क्लिक कर दीजिए तो हम नई टेबल बनाने वाले विंडो पर आ जाएंगे। ये देखिए ओपन हो चुकी है ये विंडो। और यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट का रोल नंबर दे देता हूं। तो यहां लिखा मैंने रोल और फिर यहां लिखा नंबर, तो ये रोल नंबर आएगा यहां पर, ओके। यहां पर अलग अलग आपको डेटा टाइप मिल जाता है, देख सकते हैं ये तमाम तरह के डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको मिल रहे हैं। इतने डेटा टाइप्स आपको एक्सेस में नहीं मिलते थे। हाँ, एक लिब्रा बेस डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वहां पर ये इस तरह के कुछ दिखाई जरूर कर देते हैं। और यहां पर मैं क्या करता हूँ, इंट डेटा टाइप रख देता हूँ। यहां पर हमें कोई और डेटा टाइप नहीं लेना, इंट डेटा टाइप लेना है, ठीक है। तो यहां पर INT टाइप कर दिया मैंने और ये अलाउ नल जो है इस पर टिक है, इसे हटा देता हूं और यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर आते ही स्टूडेंट का नेम आएगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने स्टूडेंट नेम, ओके। तो ये स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और एन कैरेक्टर ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। और फिर यहाँ पे स्टूडेंट के क्लास की बात कर लेते हैं, कौन से क्लास में है वो स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी कर लेता हूँ इंट डेटा टाइप, तो ये इंट कर लिया और ये अलाउ नल पे जो टिक है उसे हम हटा देंगे, ये हटा दिया हमने। हम चाहते हैं कि इसे हम प्राइमरी की बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए कर्सर को, तरीका कई हो सकता है लेकिन अभी एक तरीका देख लीजिए, ये जो है यहां पर रखिए कर्सर को और राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहां आएगा सेट प्राइमरी की, तो आप इसी सेट प्राइमरी की पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पर एक चाबी सा एक की सा बन के आ गया, इसका मतलब कि ये प्राइमरी की असाइन हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर इसको क्लोज करना है तो ये पूछेगा सेव कर लीजिए इसको, तो सेव कर दीजिए, ठीक है। टेबल वन नाम आ रहा है, हम इसे प्राइमरी के नाम से सेव करेंगे। तो इस तरीके से मैंने प्राइमरी के नाम से इसे कर दिया है सेव, ओके। अब ये सेव हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे हम यहां से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश करने की है। अब टेबल तो हमने बना लिया, तो ये टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल दिखाई पड़ेगी प्राइमरी नाम से जो आपने बनाई है। अब यहां पर जाकर के डेटा एंटर कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करिए, ठीक है। और अब हम डेटा एंट्री के लिए यहां पर जाएंगे, ये एडिट टॉप 200 रोज है, यहां पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। अब देखिए ये नई विंडो ओपन हो चुकी है और जो हेडिंग हमने दिया था वो हेडिंग्स आपको दिखाई पड़ रही हैं यहां पे। अब इसको मैं थोड़ा सा विथ बढ़ा लेता हूं, यहां से ड्रैग करेंगे तो विथ बढ़ जाएगी इसकी, लाइक ऐसे देखिए ये इस तरीके से। अब यहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, ठीक है। यहां पर नल लिखा हुआ है, आप हटा दीजिए इसको, रोल नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट का नेम डाल दीजिए राम, ठीक है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता चल रहा हूं और मान लीजिए कि इनका है 12th, ठीक है। अब नीचे आइए, ठीक है, ये एस हटा देता हूं, ये एस, ठीक है। अब ये सही हो गया। अब यहां पर मान लीजिए रोल नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। और यहां पर कर देता हूं श्याम, SHYAM, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर आएंगे तो ये हो जाएगा क्लास 11th, ठीक है। फिर यहां पर आता हूं, रोल नंबर 3 डालता हूं और यहां पे करता हूं मैं हिना, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। और यहां पर इनका क्लास है 12th। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करते चले जाएंगे आसानी के साथ। इसको सेव भी कर सकते हैं, यहां पर जाएंगे तो आप इसे सेव कर पाएंगे, तो ये सेव का बटन है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जाकर के आप इसे सेव भी कर सकते हैं इजिली, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए क्या होगा कि अगर मैं रोल नंबर 3 को रिपीट कर दूं, तो यहां पर रोल नंबर 3 को मैंने किया रिपीट, ठीक है, और यहां टैप किया। अब देखिए यहां पर करता हूं मैं लाइक उमेश, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहां पर आए और यहां पर क्लास कर दिया 12th, ठीक है। तो अभी यहां पे जैसे ही हटने की कोशिश करते हैं तो ये एक मैसेज डिस्प्ले करता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, कहता है नो रो वाज अपडेटेड। अच्छा,
ये क्यों ऐसा कह रहा है, यहां पर इसको मैं पहले 12th रखता हूं, अब इस नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है कि नेट एसक्यूएल क्लाइंट डाटा प्रोवाइडर कह रहा है पीके प्राइमरी की, ठीक है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ डॉट प्राइमरी। डुप्लीकेट की आप नहीं इंसर्ट कर सकते, कहने का मतलब कि एक बार जो वैल्यू दे दिया उसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इसी को तो प्राइमरी की बनाया था रोल नंबर को। अब यहां पे आप 4 एंटर कर पाएंगे, 5 एंटर कर पाएंगे, 100 एंटर कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बार, जो भी नंबर एंटर करेंगे एक ही बार। और ये देखिए, ये तो फॉरेन की है, फॉरेन की का मतलब एक से अधिक बार भी एंटर हो सकती है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसलिए हम यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, तो यहां पे 5 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पे करता हूं मैं ईशा, ठीक है, और यहां पर दे देता हूं क्लास 12th, ओके। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि प्राइमरी की असाइन करने का क्या मतलब होता है एसक्यूएल में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो रिगार्डिंग प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, ठीक है, जिसे सिर्फ एक ही बार एंटर किया जा सकता है एक टेबल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।